हमारे साथ हैं अभिषेक रंजन जी। अभिषेक रंजन जी दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही सामाजिक आंदोलनों में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इन दिनों कैंपस एरिया में बढ़ते रूम रेंट और छात्रावास की समस्या से ग्रसित छात्रों द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। आइए ये मुहिम क्या है इसके बारे में जानते हैं अभिषेक रंजन जी से। तो अभिषेक रंजन जी, क्या है साथ और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रावासों की बहुत ही कम संख्या है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे देश से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि जो हमारा जो सपना जो है, जो घर के वालों का जो सपना है, जो बाप का सपना है, जो माँ का सपना है, जो गांव का सपना है, जो समाज का सपना है, जो देश का सपना है, उसको पूरा कर सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ दिल्ली में सिर्फ देश का ही भविष्य तय नहीं होता, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के कारण देश का जो भावी भविष्य है वो भी तय होता है, यहीं से दिशाएँ बनती हैं। तो सड्डा हक आंदोलन के पीछे एक सोच है, मूलभूत सोच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में चूँकि छात्रावास कम है और जब एडमिशन ले लेते हैं तो उनका एक सपना तो पूरा हो जाता है कि यहाँ पर हमको एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल गया, एक अच्छा कॉलेज मिल गया, एक अच्छी सुविधाएं मिल गई, तमाम चीज़ें मिल गई, लेकिन हॉस्टल ना मिलने की वजह से उन्हें तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन्हें खाना भी ढंग से नहीं मिल पाता, तमाम चीज़ें उनको उनका एक कहा जा सके तो आइडेंटिटी लेस हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या है कि छात्रावास की समस्या से जूझते छात्र तो परेशान हैं ही, अब जो छात्रावास न मिलने की वजह से जो छात्र बाहर में कमरा लेकर रह रहे हैं उन पर एक तरह से कहर बरपाया जा रहा है मकान मालिकों द्वारा, उनसे ज़्यादा रूम रेंट वसूला जा रहा है, इसकी वजह से छात्र आज परेशान है। चूँकि ज़्यादातर छात्र निम्न मध्य वर्गीय परिवारों से संबंध रखते हैं, गाँव से आते हैं, पैसों की कमी से जूझते रहते हैं, तो दिन ब दिन रूम रेंट बढ़ने से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो इन्हीं परेशानियों से जो जूझ रहे हैं छात्र हैं, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि आप जो किराया जो है उसको वापस लीजिए या कम कीजिए, जेन्यून किराया लीजिए, और जो छात्रावास की जो कम संख्या है तो उसको देखते हुए आप छात्रावास, नए छात्रावास खोलिए ताकि सब छात्रों को मिल सके। दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा अभिषेक जी, ये साड्डा किन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, कवर कहीं नहीं, इसके पीछे कोई राजनीतिक दलों की तो हाथ नहीं है? नहीं नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये आंदोलन आम छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा है और बिल्कुल वैसे छात्र जो वास्तव में इस समस्या से पीड़ित इन द सेंस कि जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो जो किराया रूम का वास्तविक किराया होना चाहिए वो 2500 होना चाहिए। कुछ दिनों पहले तक उस रूम का किराया 2500 था, लेकिन आज साल भर में क्या हो गया, ऐसा कौन सी बदलाव आ गए कि 2500 से सीधे 5000 हो? उनके बीच में भी एक दलाली का एक माध्यम चल रहा है प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा, वो दलाली वसूलने का काम करते हैं और इसके वजह से छात्र पीड़ित हो रहे हैं। चूँकि हम कॉलेजों में पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमें एक आवास चाहिए, एक ठिकाना चाहिए रहने के लिए, और ठिकाने का जो वास्तविक जो किराया होना चाहिए उससे ज़्यादा वसूला जा रहा है। तो जो उससे जो पीड़ित छात्र हैं उन्होंने ये आंदोलन चला रखा है और इस आंदोलन के पीछे किसी भी राजनीतिक दलों का या किसी भी राजनीतिक संगठनों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि तमाम लोग राजनीतिक संगठनों से जुड़े हों, छात्र संगठनों से जुड़े हों, उनकी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता हो, ये हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है कि जिस पर तमाम राजनीतिक जो अपनी मंशाएं हैं उससे ऊपर उठकर, तमाम राजनीतिक उद्देश्यों से ऊपर उठकर, तमाम राजनीतिक मंचों के जो उनके जो लक्ष्य हैं उनसे ऊपर उठकर इस विषय पर जो छात्र पीड़ित थे उन्होंने ये मुहिम चला रखी है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल के कहने पर नहीं चलाया जा रहा है। अच्छा अभिषेक जी, क्या आपको नहीं लगता कि यह आंदोलन सिर्फ यूपी बिहार के छात्रों से की समस्याओं को लेकर है, या फिर इसीलिए इस आंदोलन के लिए यूपी बिहार के छात्र ज़्यादा भाग ले रहे हैं? तो नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन पूर्णतः सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह आंदोलन यूपी और बिहार के छात्रों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि जामिया और तमाम जो यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं तो उन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए सिर्फ और यूपी और बिहार से छात्र नहीं आते, पूरे देश से छात्र आते हैं, कन्याकुमारी से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों तक और आंध्र प्रदेश से लेकर और उधर राजस्थान तक, तमाम पूरे देश से लोग आते हैं इस उम्मीद में आते हैं कि हमें एक अच्छी पढ़ाई मिले, और चूंकि दिल्ली राजधानी है तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर जो सुविधाएं जो हैं वो अच्छी मिलती है, यहाँ पर एक ग्लोबल कहें कि ग्लोबल लोगों को बढ़ने का, आगे बढ़ने का उनको एक इमेज भी, उनको यहाँ पर अपना बनाने का एक मौका मिलता है, तो पूरे देश से लोग आते हैं अच्छे पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर यह कहना आपका जायज़ नहीं है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूपी बिहार के छात्र हैं, बल्कि यहाँ पर पूरे देश से पीड़ित छात्र हैं, और हो सकता है कि इसमें ज़्यादातर लोग वहीं पे हों, लेकिन ये आपका कहना पूर्णतः सही नहीं है। हमारे मुहिम में सभी प्रांतों के और पूरे देश के लोग इसमें सम्मिलित हैं और ये उद्देश्य पूरे देश के लोगों को पूरा करने वाला है।
अभिषेक जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, क्या इस आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? नहीं नहीं नहीं, राजनीतिक मंशा क्या होगी? एक्चुअली जब हम दुखी होते हैं, जब किसी समस्या से हम जूझ रहे होते हैं, तो जो पीड़ा जो है, मन की जो पीड़ा है, जो पीड़ा झेलते रहता है, जो समस्याओं को से रूबरू होते रहता है, जो समस्याओं से अवगत होता रहता है, जो समस्याओं से डेली जूझता रहता है, वही ज़्यादातर समझ सकता है और वो अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से रख सकता है। तो रूम रेंट की समस्या से सब लोग पीड़ित हैं, चाहे जो भी हो यहाँ पर दिल्ली में जो रहते हों, और सभी प्रदेशों के लोग पीड़ित हैं। और चूँकि संख्या इसलिए बढ़ रही है हमारे इस मुहिम में, क्योंकि पीड़ितों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग पीड़ित इन समस्याओं से, और सब लोग इस उद्देश्य के और इस मुहिम के समर्थन में इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी इसमें अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस पाते हैं, और चूंकि हम भी झेल रहे हैं तो क्यों नहीं इस मुहिम को समर्थन किया जाए। इसलिए हमारे मुहिम के साथ ज़्यादातर लोग जुड़ रहे हैं। हमारी कोई राजनीतिक मंशा नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं है, इसमें तमाम लोग, तमाम संगठनों के लोग हैं। आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये कोई राजनीतिक मंशा के लेकर नहीं आती। अभिषेक जी, आंदोलन की रूपरेखा को देखकर ऐसा लगता है कि ये बोलते हैं आंदोलन मकान मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ है? नहीं नहीं नहीं, ये आंदोलन प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिकों के खिलाफ नहीं है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया इसे ऐसा ना समझा जाए। आप सोचिए ना, एक मिनट के लिए सोचिए, हम मकान मालिकों से और तमाम प्रॉपर्टी डीलरों से आग्रह करते हैं, दो मिनट दें हमें सोचने के लिए और अपने आप को सोचने के लिए, कि आप सोचिए कि अगर हमारी जगह आपका अगर लड़का हो, आपका आपके बच्चे हो, और वो भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हो। आवास की समस्या, सब संविधान भी हमें कहता है कि सरकार का एक दायित्व है कि उसको आवास मुहैया कराया जाए, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो इन सब चीज़ों से जब जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उसको पूरा करना, सरकार भी कहती है कि नहीं इनको पूरा करना चाहिए और सरकार को ये दायित्व बनता है। तो आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप मकान मालिक हैं, आप सोचिए कि बच्चे जो आते हैं, इतने उम्मीदों के पंख लगाए आते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, अगर आपके बच्चे रहते हैं तो अगर इन्हीं समस्याओं से जूझते रहते हैं तो आपकी क्या भूमिका होती है, आप क्या सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? तो ये आपके विरोध में नहीं है बिल्कुल, हम आपसे आग्रह करते हैं कि सोचिए, आप जो जायज़ किराया है वो वसूलिए, और दिल्ली विश्वविद्यालय और सरकार से यही आग्रह है कि छात्रावास, नए छात्रावास खोले जाए। JNU विश्वविद्यालय है और भी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर विश्वविद्यालयों में छात्रावासों की संख्या अधिक है, वहाँ ज़्यादातर छात्र छात्रावासों में रहते हैं। सरकार से भी आग्रह है कि नए छात्रावास खोले जाए। तो इसलिए ये किसी के खिलाफ नहीं है, विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि समस्याओं से निजात मिले। अभिषेक जी, आप इस आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन को पहुँचाने के लिए हम लोग फेसबुक का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर छात्र आजकल फेसबुक का यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइटों का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पर्चे छपवाए हैं, तमाम जगह पर्चे लगवाए हैं, और चूँकि ये छात्रों की मुहिम है तो छात्रों के जो पर्सनल रिलेशन है, जो उनके आपसी जो संबंध है, तो आपसी संबंधों में एक चर्चा का विषय बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, तमाम प्रकार की चर्चाओं के साथ साथ ये विषय भी चले। और चूँकि विरोध के लिए कोई प्रदर्शन और कोई बड़े, हम लोग बहुत बड़े आंदोलन ऐसा करने की इरादा तो है, लेकिन ये विरोध के लिए इरादा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग जुड़ें। तो इसलिए हम लोग जो प्रचार के जितने भी माध्यम हो सकते हैं सबका उपयोग कर रहे हैं। हम लोग RTI का भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं ताकि सूचनाएँ हमारे पास इकट्ठा हो। हम लोग तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और तमाम जो दल हैं और तमाम जो हमारा जो दूसू है, उनसे भी हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और कॉलेजों में जितने भी लोग हैं, तो सबसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे संपर्क हो और इस विषय पर एक आम राय बनाई जाए, और जो जूझ रहे हैं छात्र, जो समस्याओं से पीड़ित हैं, उनको एक न्याय दिलाया जा सके। तो इसके लिए हम लोग जितना भी कोशिश हो रहा है वो लोग हम लोग कर रहे हैं। अभिषेक जी, कोई भी आंदोलन बिना, सिर्फ जन दबाव के बिना सफल नहीं होता, उसके लिए कहीं ना कहीं कोर्ट और सरकार की मदद लेनी पड़ती है, आप इस विषय पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपका सही कहना है, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। पहले चरण में हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये समस्याएं हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये विषय आए। इससे पहले भी ये विषय आ चुका है, लोगों ने इस विषय को लेकर काफ़ी आंदोलन भी किए हैं पूर्व में, लेकिन कोई ठोस नतीजा, कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। तो हम चाहते हैं कि नहीं, इस विषय पर कुछ हो, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो प्रभावी ढंग से। तो सरकार से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करे। और आंदोलन के शुरुआती चरण में हम
लोगों को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, लोग आम राय बनाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि ये समस्याएं बाहर ही बाहर सॉल्व हो जाए। अगर नहीं सॉल्व होगी तो हम लोग अदालत जाने पर भी विचार कर सकते हैं और करेंगे। अभिषेक जी, इस पूरे आंदोलन के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा सब छात्र हैं, हम लोग सब छात्र हैं और एक बहुत छोटी सी राशि घर से मिलती है। कुछ लोगों को वो भी राशि नहीं मिलती, वो लोग यहाँ ट्यूशन पढ़ा के और तमाम प्रकार के काम करके वो पैसे इकट्ठा करते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी उन्हीं छोटी सी पैसों में, छोटी सी जो रकम है, उन्हीं में से थोड़ी सी रकम इस मुहिम में जो छोटे छोटे जो थोड़े मोड़े खर्च हो रहे हैं तो उसके लेकर अपने ही खर्च से 10 रुपये 20 रुपये 50 100 जितने भी उनको बन पड़ रहा है वो दे रहे हैं। और हमारा मुहिम कोई बहुत बड़ा व्यापक प्रचार और बड़े सूचना तंत्र पर आधारित नहीं है। हम लोग बहुत बड़े एड वेड का सहारा नहीं ले रहे हैं, बहुत छोटी सी रकम हमारा खर्च हो रहा है, लेकिन जो भी खर्च हो रहा है वो तमाम जो छात्र जो इस मुहिम में जुड़े हैं, जो आम छात्र हैं, उनसे हम लोग चंदा इकट्ठा करके 2 रुपया 4 रुपया जो भी जिनका भी जो बन रहा है उनसे वो इकट्ठा करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये आंदोलन को बिल्कुल अपने तरीके से चलाने की। हमारा कहीं से कोई फंड वंड नहीं आने का है, कोई दुआ नहीं हमारी किसी से, कोई हम ग्लोबल कहीं से चलाए नहीं जा रहे हैं आंदोलन, बिल्कुल छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा है। अभिषेक जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप सामान्य छात्रों को इस आंदोलन के विषय में? हम चाहते हैं कि इस आंदोलन से अधिक लोग जुड़े। ये जो मायूसी थी, जो चुप्पी थी, जो हमारी इस विषय को लेकर, हम मायूस इसलिए थे क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। तमाम छात्र संगठन कहें तो इस विषय पर चिंतित जरूर हैं, वो करते भी हैं कुछ, लेकिन प्रभावी ढंग से कहीं कुछ हो नहीं रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने रोटियां सेकने में व्यस्त हैं, प्रशासन को जरूरत नहीं है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में सीटें बढ़ाने पर आमादा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा छात्र चाहिए, लेकिन उनको सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर कोई संजीदगी उनमें नहीं दिख रही। तो हम चाहेंगे कि आप अब अपनी चुप्पी तोड़े और इस जो मुहिम है पूरा, इस मुहिम से आप जुड़ें। और सड्डा हक हमारा एक पंच लाइन है, हम चाहते हैं कि जो हमारा अधिकार है, सड्डा हक का मतलब ही होता है हमारा अधिकार, हम अपने अधिकारों के लिए मांग रहे हैं कुछ, तो आप इस अधिकार के लिए आगे बढ़िए, आगे आइए और इस मुहिम में शामिल होइए। सरकार, प्रशासन, दिल्ली विश्वविद्यालय, तमाम लोगों से आग्रह कीजिए और उन तक ये बातें पहुँचाइए कि इस विषय पर आप सोचिए और हमें न्याय दिलाइए, हमें छात्रावास चाहिए, हमें रूम रेंट जो हमसे जायज हो किराया वो वसूला जाए, हम चाहते हैं यही। और इसलिए हम लोग अपील करते हैं और हम अपील ही नहीं करते हैं, हमें लगता है कि लोग आएंगे, हमसे जुड़ेंगे और हमारा आंदोलन पक्का सफल होगा। और जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, जब बात निकल ही पड़ी है तो पक्का सफल होगी और हम लोग बिल्कुल अच्छे मानसिकता के साथ इस आंदोलन को चला रहे हैं और आंदोलन सफल होगा। चलिए, मेरी पूरी शुभकामनाओं के साथ इस आंदोलन को सफलता के लिए। ये थे हमारे साथ अभिषेक रंजन जी, जिन्होंने इस पूरी मुहिम के बारे में बताया। कैमरामैन प्रशांत राठौर के साथ विकास गौतम, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।